और हैदराबादी चिकन बिरयानी में भी आप आ सकते हैं, जो नॉन वेज हैं वो यहाँ पर काफ़ी हैं। हैदराबादी चिकन बिरयानी में आपको आएंगे, नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनके लिए खास ख्याल रखा गया है, वेज बिरयानी भी हालांकि यहाँ पर है। तो क्या कुछ आप ले सकते हैं, रेट भी मैं आपको बताती चलती हूँ। रेट जो है चिकन बिरयानी का जो रेट है वो 150 है, मटन कोरमा का जो रेट है वो 200 रखा गया है यहाँ पर। इसके साथ ही चिकन निहारी है जिसका रेट 150 है, मटन शेक है जिसका रेट 250 है, चिकन कोरमा और उसके साथ दो रुमाली रोटी भी हैं उसका रेट है 150। चिकन टिक्का है उसका रेट 150 रखा गया है और वेज बिरयानी का रेट जो है वो 100 रुपीज़ है। तो आप आ सकते हैं और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो यहाँ आकर नॉनवेज का मज़ा ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जितने भी खाएं उतने कम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोलगप्पों की, क्योंकि लड़कियों को खास तौर पर गोलगप्पे, टिक्की ये सब चीज़ काफ़ी पसंद होती है। ये जो गोलगप्पे हैं, टिक्की है, इनका स्वाद आप लेने कहाँ आ सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड स्वीट के नाम से यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, स्टैंडर्ड स्वीट में आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली के जो पकवान हैं वो देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे। गोलगप्पे यहाँ पर आप आकर खा सकते हैं, आलू टिक्की, आलू चाट भी यहाँ पर मिलेगी, भल्ला पापड़ी, दही भल्ला जो है वो भी आपको खाने के लिए मिलेगा, मक्के की रोटी और सरसों का साग, मुंह में पानी आ गया पढ़ते पढ़ते ही, पाव भाजी भी यहाँ पर मिलेगी, मटर कुलचा जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही पनीर चिल्ला भी आप यहाँ आकर खा सकते हैं, आलू टिक्की, आलू चाट जैसा कि आपको पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बन कैसे रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, काफ़ी सफाई भी रखी गई है, क्योंकि आमतौर पर होता है कि जो ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे पकवान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो कई बार होता है गंदगी जो होती है वो भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, खास ख्याल रखा गया है इस सब चीज़ का यहाँ पर। हम जरूर टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आखिर गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। चलिए तो टेस्ट करते हैं, एक सेकंड रुकिए, गोलगप्पे जरा खिला के दिखाइए, एक टेस्ट करा के दिखाइए मुझे, आटे वाला आपको लगा। ये आटे वाला खिलाइए, तो सूजी और आटे दोनों के गोलगप्पे यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे आटे के गोलगप्पे पसंद हैं। और गोलगप्पे का जो पानी है वो टेस्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर गोलगप्पे का जो पानी है वो टेस्टी होता है तो जाहिर सी बात है आप कितने भी गोलगप्पे आराम से खा सकते हैं। पानी जो है वो बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, जानते हैं इनसे कि किस तरह से पानी इन्होंने बनाया है। गोलगप्पे का जो पानी आपने बनाया है उसमें क्या क्या मिक्स किया है वो बताइए। वो है अमचूर और जीरा, हींग, काला नमक, पुदीना है और हरी मिर्च और काला नमक है उसमें, काला नमक। बहुत अच्छे आपके गोलगप्पे बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ आइए। आपको एक सेकंड मैं रोकना चाहूँगी, गोलगप्पे तो मैंने यहाँ पर खा लिए हैं लेकिन पेट मेरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, टिक्की मैं नहीं खा सकती हूँ, इनसे पूछूंगी। टिक्की का स्वाद पहले आप खाइए, तब पूछूंगी कि कैसा है। कुछ भी खाइए, आपकी मर्जी है, दही खाइए, टिक्की खाइए, बहुत शानदार। और टिक्की नहीं है तो मतलब कमाल की चीज़ है जी, अपने आप में एक नया चीज़ बनाई है उन्होंने टिक्की, मज़ा आ गया। यहाँ पर मजा आ गया है टिक्की खा के, कुछ और लोग हैं इनसे भी पूछती हूँ, इनको कितना मजा आया है टिक्की खा के, आपको कितना मजा आ रहा है टिक्की खा के? मैं एक मिनट खा लूं मैडम, अब खाइए, मैं तब तक गोलगप्पे का पानी पी लेती हूँ। मैडम ठीक है, कोई बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है जैसे हमारी बिट्टू टिक्की वाला है या और दिल्ली के उसके हिसाब से, लेकिन वैसे यहाँ के हिसाब से ठीक है। अभी हमने वहाँ पर जलेबी खाई हो, माथुराम की जलेबी, वो खाने लायक चीज़ है। यदि आप आगे नहीं गए हैं तो आगे जाकर लेफ्ट साइड पे बना रखा है स्टॉल से, वो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा।
चलिए तो यहाँ पर कुछ खट्टा जो है वो तो हमने खा लिया है, अब इन्होंने बात की है मीठे की, जलेबी की बात की है। जलेबी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है, तो चलिए अब जलेबी टेस्ट करने चलते हैं। और आखिर गोलगप्पे खाने के बाद, जैसा कि हमें बताया था कि बहुत ही स्पेशल जलेबी बनाई जा रही है, तो मैं फौरन भागी और जलेबी वाकई बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैंने आज तक छोटी छोटी जलेबी देखी थी, इतनी बड़ी जलेबी आज मैं पहली बार देख रही हूँ। लेकिन जो रतन है इस स्टॉल के मालिक है, उनका कहना है कि इन लोगों ने इससे भी बड़ी जलेबी बनाई है, ये तो बहुत ही छोटा पीस इनके पास है। जलेबी देखकर मुंह में पानी तो आ रहा है, खाऊंगी बाद में टेस्ट करूंगी, लेकिन पहले रतन जी से बात कर लेती हूँ। रतन जी आप बताइए कि आपकी दुकान पे सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, और जैसे कि जलेबी फेमस है ये तो पता ही है, उसके अलावा? हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की जलेबी है, और इसके अलावा गुलाब जामुन है, और गाजर का हलवा है, और चटपटी चाट बनाते हैं हम। और वैसे ज़्यादातर ऐसे पुरानी दिल्ली की जो फेमस है वो हमारी जलेबी है, और जलेबी को एक स्पेशल तरीके से हम बनाते हैं कि उसका बनाने का एक तरीका हमारा बिल्कुल अलग है। और एक तो शुद्ध देसी घी, दूसरा इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बेसन होता है, और मैदे की ज़्यादातर ऐसे होती है, लेकिन हम बेसन मिला करके इसमें और एक इसका अलग से ही टेस्ट देते हैं, लोगों को पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि जो जलेबी है वो आप सबसे अलग बनाते हैं, स्पेशल तरीका है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी यहाँ पर बताइए कि किस तरीके से जो जलेबी है वो आप बनाते हैं। हम ये जलेबी ऐसे बनाते हैं कि एक तो हम बेसन लगाते हैं इसके अंदर, और बेसन लगाने से क्या होता है, एक कड़क बनाता है और करारी होती है, जिसको बोलते हैं जलेबी करारी। तो करारी जलेबी का टेस्ट लोगों को जाता है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि हाँ रतन के पकवान बाकी में स्पेशल है, तो बस ये है। चलिए तो जलेबी कुछ ये तो यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन जलेबी बनाई कैसे जा रही है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इधर देखिए, इधर अब यहाँ पर जलेबी बनाई जा रही है, और एक जैसे कि आपने बताया छोटा साइज है, बड़े साइज में थोड़ा एक जलेबी बना के दिखाइए। और रतन जी यहाँ पर खुद बड़े साइज में जलेबी बना रहे हैं, ये देखिए। वाओ, पहली बार मैं देख रही हूँ इतनी बड़ी जलेबी। चलिए तो ये जलेबी तब तक पक रही है, मैं भी एक जलेबी यहाँ पर बनाकर देख लेती हूँ कि आखिर जलेबी कैसे बनती है। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बनाऊंगी और खाऊंगी भी, आपके लिए भी लेके आऊंगी, खिलाऊंगी भी। टेढ़ी मेढ़ी जलेबी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। बेकार भी बनेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। रतन जी मेरी तारीफ में कुछ कह रहे हैं, रतन जी बोलिए। अच्छी बनाई है आपने जलेबी, बहुत अच्छा तजुर्बा, बहुत सदा हुआ हाथ रखवा रही है आप। थैंक यू सो मच। और जलेबी मैंने यहाँ पर बनाई है, लोग मेरी भी तारीफ कर रहे हैं, हाँ मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा, और इन्होंने जो जलेबी बनाई है वो बहुत अच्छी है, दुकानदार से भी अच्छी जलेबी बनाई है इन्होंने। लाजवाब लाजवाब, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी जलेबी मैंने बनाई है, इसको मैं लेकर जाऊंगी, आपके लिए भी लेकर आऊंगी, चिंता मत करिए। और दीपक जलेबी दिखाइए, मेरी वाली जलेबी पक गई है, ये रतन जी की जलेबी, और मेरी दोनों तैर रही हैं इस वक्त, घी में या तेल में? देसी घी में, शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी जो है उसमें देख लीजिए, खुशबू आ रही है, देख लीजिए खुशबू आ रही है, मुझे भी आ रही है, रतन जी आपको भी आ रही है, लेकिन जो दर्शक है उनको खुशबू यहाँ पर नहीं आ सकती है, खुशबू तो नहीं आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा आपके भी। चलिए तो पहले हम जलेबी खाएंगे, उसके बाद बताएंगे दूध का टेस्ट कैसा है, क्योंकि दूध जो है वो भी यहाँ पर टेस्टी टेस्टी बनाया जा रहा है, बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, उनका भी स्वाद चखेंगे, लेकिन पहले जलेबी खाते हैं। वाओ, तो ये इतनी अच्छी सी जलेबी जो मैंने बनाई है वो तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर जलेबी मैंने बनाई है, पहली बार मैंने जलेबी बनाई है, बहुत ही अच्छी है जलेबी है,
मैं तो अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, लोग इतनी तारीफ कर ही चुके हैं। रतन जी आप इसको खा के बताइए, मैंने जो जलेबी बनाई है कैसी? आप खाइए, आप इसको खाइए, आपने खाइए, आपने बनाई है तो आप खा के भी देखिए। बनाई मैंने है, मैं खाऊं ये अच्छा नहीं लगता, पहले आप खाइए बताइए कैसा टेस्ट। अच्छा हमको टेस्ट करनी पड़ेगी, चलो हम टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छी करारी है, मीठी भी है, अच्छी है। किसी ने इतनी तारीफ की है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ और अब ये जो जलेबी मैंने बनाई है खा के देखती हूँ। तो जलेबी के साथ दूध का मजा ही कुछ और होता है। रतन जी हमारे साथ हैं, रतन जी से हम पूछेंगे कि जलेबी जो है वो तो इनके यहाँ के स्वादिष्ट हैं ही, इसके साथ जो केसर मिल्क है वो भी काफी स्वादिष्ट है, मैंने खुद चखा है। इसके अंदर केसर होती है और बादाम होता है और चिरौंजी होती है, इसको मिक्स करके और दूध की तीन उबालियाँ दी जाती हैं, उसके बाद उसकी मलाई उतारी जाती है, मलाई फिर लगाई जाती है, उसके बाद उसको कुल्हड़ में डाल के फेंट के पिलाया जाता है जलेबी के साथ साथ, तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है। तो शुक्रिया। तो रतन जी का यहाँ पर ये कहना था कि किस तरीके से जो वो दूध है और जलेबी उसको यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन जो इनकी दुकान पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको इसका स्वाद कितना अच्छा लग रहा है उनसे पूछूंगी। अच्छा ये दूध जो है ये बहुत अच्छा है, पहलवान लोग पहले उसको पीते थे, हम उनके बारे में हम जानकारी है। अब ये मेला में दूध सबसे अच्छा लगता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं और विटामिन चीज है और गर्म दूध भी है, तो ठंड के दिन में गर्म दूध का बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो सही है। पर आपके साथ है, ठीक है, इनसे भी जानना चाहेंगे। वो बहुत अच्छा लग रहा है सर्दियों के टाइम में, ये गरम वाला दूध, बादाम वाला, अच्छा है सेहत के लिए भी और पीने में भी टेस्टी है, अच्छा लग रहा है, मजा लेते हैं। तो सर्दियों के टाइम में जो दूध है गरम वाला वो काफी टेस्टी यहाँ पर इनको लग रहा है, आप भी आइए सर्दियों में जो गरम दूध है उसका मजा लीजिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम चखिए तो जरा में फिलहाल इतना ही, कुछ और लेकर आएंगे आपके लिए खास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।